नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए सिर्फ एक वीक बचा हुआ है। इस एक वीक को कैसे बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करें, कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, नए पैटर्न के हिसाब से क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इन सब बारे में यहां पे बात करेंगे। लास्ट टाइम के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब चीजें एग्जाम के लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करनी चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो 150 क्वेश्चन आएंगे नए पैटर्न के हिसाब से। 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर होंगे, ठीक है। उस 150 क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, और 50 क्वेश्चन में आएगी मतलब साइंस और अंकगणित। तो यानी कि अगर आप मोटा मोटा माने ये कि आपको 50 नंबर की जीएस प्लस 25 नंबर की साइंस, ठीक है, 50 में से मान लिया आधे साइंस के आएंगे, आधे अंकगणित के आएंगे, और 25 नंबर की हिंदी, तो यानी कि 150 क्वेश्चन में से आपके पास 100 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सीधे सीधे किए जा सकते हैं। अब इसीलिए कुछ टिप्स की बात करता हूं, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको निगेटिव मार्किंग है, पहली बार 1/4 है, तो क्या पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से आपको इसमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। आपको देखिए कैसे करना चाहिए वो समझिए। पहले क्या करिएगा कि आप पेपर में वो वाले क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पेपर में यहाँ पे साइकोलॉजिकली भी खेलना है, आपको साइकोलॉजिकली भी जीतना है और प्लस जो है वहां पूरा सॉल्व करके भी जीतना है। अगर आप साइकोलॉजिकली वहां पेपर के टाइम जो 2 घंटे हैं आपकी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट घंटे हैं वो, ठीक है, तो अगर आप ये है समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर इधर उधर हिल गया तो आती हुई चीजें भी भूल जाएंगी, और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपने बना के रखा तो नहीं आती हुई चीजें भी कई बार आ जाती हैं, या फिर तुक्के जो है इंटेलिजेंट गेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा। टिप नंबर 2 ये है कि किस ऑर्डर में अरेंज आपको अटेम्प्ट करना है ये समझिए, ठीक है। टिप नंबर 2 में ये है कि मान लीजिए देखिए 150 क्वेश्चन है, ठीक है, 150 में से 50 जीएस, 25 साइंस, 25 हिंदी, ठीक। 100 क्वेश्चन मतलब आपके ऐसे हैं, 150 में से 100 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, जो होता है वो होता है। अगर मान लीजिए कोई हेरिटेज साइट है, ठीक है, जैसे ताजमहल वो कहां है, आगरा में है, तो वो है। अगर नहीं पता है आपको तो फिर उसमें दिमाग नहीं लगाया जा सकता है कुछ, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करिएगा। अब 2 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे में से आप क्या करिएगा कि रीजनिंग और मैथ्स के लिए सबसे लास्ट में करिएगा, ठीक है, उनको, क्योंकि उसमें वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले आप क्या करिए, 100 ये जो क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करिए, जितने आते हैं उसको करिए, जो नहीं आते उसको छोड़ दीजिए। सिंपल बात यह है, पहले आपको पेपर को साइकोलॉजिकली जितना उसके ऊपर चढ़ के बैठना है बिल्कुल, ठीक है। अगर आपने शुरू में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कि आपके मान लीजिए 10 सवाल शुरू के एग्जैक्टली लगातार गलत हो गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम गिर सकता है और वहीं पे जो है डिमोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा, तो आती हुई चीजें भी बिगड़ जाएंगी। मतलब आपका सिलेक्शन हो रहा होता लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना गिर गया कि आप जो है आती हुई चीजें ना कर पाए, तो ऐसा मत होने दीजिएगा। इसीलिए क्या करिएगा, आप पहले 150 क्वेश्चन में से 100 ये वाले अटेम्प्ट करने हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना है, जीएस वाला, हिंदी वाला और साइंस वाला, ये वाला सेक्शन करना है। इसमें भी पहले क्या करना है आपको, जो एकदम आते हैं इन 100 क्वेश्चंस में से 150 में से मान लीजिए आपको 50 भी अगर एकदम करेक्टली आते हैं, एकदम कॉन्फिडेंट हैं आप कि हाँ ये वाले 50 बिल्कुल सही है, इनको आप टिक करो, ठीक है, तो पहले आप ये 50 करिएगा, फिर जो नहीं आते हैं वो एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात यह है कि यहां पे आपको पूरे मेरे हिसाब से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए, आपको मेरे हिसाब से तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है ना, फायदा बहुत ज्यादा जो है तुक्केबाजी का होता है। एक तुक्केबाजी मतलब एकदम नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी, तुक्केबाजी में भी इंटेलिजेंट गेस लगाना है। इसमें मतलब यह है कि आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, आंसर से क्वेश्चन डिराइव करिए कि मान लीजिए 4 ऑप्शन है, आपको ये तो श्योर है कि ये दोनों में से ही कोई होगा, तो कम से कम आप उस स्टेप तक पहुंचिए ताकि आपकी कम से कम सही करने की प्रोबेबिलिटी 50% तक तो जाए, ठीक। और एक बात और है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करना चाहिए, इसमें फायदा आपका होगा। मान लीजिए आपने, आपका लक बहुत ही खराब है, ठीक है, 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, अच्छा इंटेलिजेंट गेस किया, इलिमिनेशन भी कर दिया, तब भी आपके मान लीजिए 4 ही सही हुए 10 में से, तब भी आप फायदे में रहेंगे। कैसे, क्योंकि पेपर का पैटर्न क्या है, 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, 1/4 निगेटिव मार्किंग, मतलब कि 4 क्वेश्चन अगर आप लगातार गलत करेंगे तो आपका एक सही वाला काट दिया जाएगा, ठीक है। 10 में से मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, 6 गलत हो गए, तो 6 गलत मतलब कि 1.5 क्वेश्चन आपके कट गए, 1.5 क्वेश्चन कटे लेकिन 4 तो सही हुए हैं,
तो 4 माइनस 1.5 करोगे तो यानी कि 2.5 क्वेश्चन, फिर भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में कितने रहे 2.5 क्वेश्चंस के। तो इसलिए मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा, यूपी है कंपटीशन बिल्कुल बहुत है, लोग एकदम पीले पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, इसमें से चीर फाड़ के जो है निकलना है किसी को तभी, मतलब ये बिल्कुल सत्य बात है। इसमें शब्दों पे मत जाइएगा, शब्दों के थीम को समझिए, इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है यूपी में, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, लोअर पीसेस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आप समझिए कि इसको यूपी पीसीएस वाले भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी में फाइनली नहीं सिलेक्ट हो पा रहे वो भी दे रहे हैं, क्योंकि लोगों को इंडिया में पहले जॉब सिक्योर करनी होती है, इसलिए कंपटीशन लेवल हाई है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई बना के रखना पड़ेगा, प्लस अपने ऊपर भरोसा करके रखना पड़ेगा कि हाँ जो आपने तैयारी की है साल भर या फिर जो भी चीजें आपने तैयारी करी है वो अच्छे से आप कर सकते हैं, अपने आप पे बिलीव भी करिए कि हाँ आप कर लेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मतलब कि निगेटिव मार्किंग है तो कोई बात नहीं, पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है इंटेलिजेंट गेस के साथ। दूसरी चीज, सेक्शन कौन से पहले करने हैं, हिंदी जीएस साइंस, इन तीनों में से जो पहले पसंद हो वही करिएगा, उसके बाद रीजनिंग मैथ करिएगा। 2 घंटे का टाइम है, 2 घंटे में आपको 1 घंटे में जीएस हिंदी और साइंस को कंप्लीट करना है, पहला राउंड भी दूसरा राउंड भी। पहला राउंड क्या मैंने बताया, जो एग्जैक्टली आपको सही से आते हैं सारे क्वेश्चन, जो बिल्कुल पता है कि हाँ यही क्वेश्चन आंसर है इसका, पहले वो, और फिर उसके बाद जो आपको नहीं भी आते हैं वहां तुक्केबाजी और इंटेलिजेंट गेस के साथ उन 100 को मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा। मेरे हिसाब से तो 100 में 100 भी करेंगे तो फायदे में ही रहेंगे, मतलब आपका बिल्कुल ही, मैंने बताया कि अगर इनवर्स केस भी 10 में से 4 भी अगर सही होते हैं, अगर मान लिया 10 में से 2 भी सही हुए, फिर भी आप प्रॉफिट और लॉस में नहीं रहेंगे। 2 अगर मान लिया सही हुए, सिर्फ 8 गलत हो गए आपके, तो फिर जो है आपके 2 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे और 2 सही हुए, मतलब कुल मिला के कोई घाटा नहीं हुआ। अब मतलब वो वाला केस तो मैं मान ही नहीं रहा हूं कि कोई एकदम ऐसा है, मतलब इतना बिरला आदमी है कि उसके 10 में से 10 गलत हो गए, अगर आप ऐसी कैटेगरी के आते हैं तो फिर मत करिएगा, लेकिन मैक्सिमम अटेम्प्ट करिएगा। और सबसे पहले यही वाले सेक्शन करिएगा, लास्ट में रीजनिंग और मैथ करिएगा। उसमें लास्ट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले आपने अगर मान लीजिए जीएस को अच्छे से कर लिया, जो आता है वो अच्छे से कर लिया, थोड़ा सुकून मिलेगा कि 150 में से चलो मैंने 100 तो अटेम्प्ट कर लिए, कम से कम ये वाली चीज तो नहीं रहेगी कि पेपर पूरा तक अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ठीक है, पेपर तो अटेम्प्ट करना है ना पूरा, ये वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले 150 में जितना मैक्सिमम कर सकते हो उतना करो, कट ऑफ की बात अभी सब ये सब नहीं हो सकती है, कट ऑफ पेपर के बाद ही डिसाइड हो सकता है। वैसे यूपी है तो आप ये समझ लीजिए कट ऑफ तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, यूपी के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और बाहर के भी लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े एग्जाम्स के भी जो लोग हैं वो भी इसमें देते हैं, एसएससी वाले भी देते हैं, सब लोग, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स किस चीज के लिए है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, निगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे कौन कौन से सेक्शन करने हैं, और सबसे लास्ट में आप क्या करिएगा, रीजनिंग और मैथ्स यानी कि अंकगणित वाले करिएगा, क्योंकि उसमें दिमाग लगना है। ठीक है, उसमें चीजें को सॉल्व करना पड़ेगा रीजनिंग में। अब देखिए लास्ट, ये तो हो गई पूरी टिप की कैसे कैसे क्या क्या करना है, अब लास्ट के जो 7 दिन बचे हैं इसमें आप ये समझिए कि क्या चीजें आपको पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। 150 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन कहां पे रखे हुए हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है। स्टैटिक पोर्शन मतलब क्या, जीएस प्लस साइंस प्लस हिंदी, ठीक है, ये तीनों में 100 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, मतलब 200 नंबर फंसे हुए हैं यहाँ पे 300 में से। ठीक है, अब कट ऑफ भी कितना जाएगा, मान लीजिए 200 तक गया, इतना ही जाता है यूपी में, इतना कोई कम तो नहीं जाएगा। लोअर पीसेस में बहुत कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त कंपटीशन है, 12-11 लाख लोग दे रहे हैं। मान लीजिए 1 लाख अपसेट में हो जाएंगे तब भी 11-12 बचे, 12 भी अगर हैं तो 1-11 तो बचे, और सीटें तो कितनी है, सिर्फ 600 समथिंग है कुछ, तो मतलब बहुत तगड़ा कंपटीशन है। वैसे मेंस के लिए भी है, लेकिन कितने लोग ले लेंगे मेंस के लिए, मतलब मान लीजिए आप जो है 10 गुना भी ले लिया, 20 गुना भी ले लिया, तब भी 12,000 का तो होना है 11 लाख में से, 11-12 लाख में से, तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। अब लास्ट के टाइम आप वो वाली चीजें ज्यादा पढ़िए जिनमें ज्यादा फायदा होना है, जैसे रीजनिंग और मैथ्स है, उसमें तो आप लास्ट के 7 दिनों में कोई ऐसा कुछ नहीं विशेष नहीं उखाड़ सकते हैं कि मतलब एकदम सीख गए, एकदम ही जो है रीजनिंग आपने चालू करी और एकदम ही जो है महारथी बन गए। लास्ट में ये करिए कि अभी रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप यूपी SSSC के जो अभी लेटेस्ट पेपर हुए, जितने वीडियो वाला हो गया, मंडी परिषद हो गया, जितने भी हैं यूपी SSSC की साइट पे दिए रहते हैं, उन सब पे ऑफिशियल की के साथ हमने यूट्यूब में वीडियो बनाए हुए रखे हैं, आप उनको देखिए कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, रीजनिंग कैसी पूछते हैं, मैथ्स कैसे पूछते हैं यूपी SSSC वाले, उनको अटेम्प्ट करिए, ज्यादा ज्यादा अटेम्प्ट करिए। तो लास्ट में पहली बात तो ये करिए कि मैथ और रीजनिंग के लिए डेली 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करनी है,
प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है वाले वीडियो। उसके अलावा दूसरी चीज क्या है, यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसेस के लिए हमने पूरी पूरी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। 11 टेस्ट हो चुके हैं पूरे के पूरे, आप वो 11 के 11 देखिए, अटेम्प्ट करिए, उसमें स्कोर बताइए, स्कोर ना भी बताइए कम से कम अटेम्प्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। तो उसमें वो अटेम्प्ट करिए, अभी 2-4 टेस्ट अभी आपको और मिल जाएंगे, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करिए, जो ये जीएस वाला पार्ट है, जैसे जीएस में पहले एक तो साइंस की बात करते हैं, साइंस के लिए मैंने आपको एक पापा वीडियो दिया हुआ है 45 घंटे का, वो अगर आपने पूरा देखा है तो बहुत बढ़िया है, उतना सफिशियंट है। वरना एक हमने साइंस का पापा वीडियो और दिया हुआ है, हिंदी मीडियम का है, वो वन लाइनर है वो पूरा, वो वन डे एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी, वो जरूर देख लेना प्लीज। मैं मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ी देर में 1-2 घंटे के अंदर जब ये पब्लिश होगा उसके बाद कुछ वीडियो आपको दे दूंगा कि वो आप जो है जरूर देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी का पापा वीडियो दिया जा चुका है, आप बस वो पापा वीडियो देख लीजिएगा, उसी में से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। जो लोअर पीसेस के सिलेबस में सब हमने वहां दे रखा है। जीएस की बात करें अगर, तो जीएस में आपको अभी 2-3 दिन के अंदर ज्योग्राफी का पूरा वन डे एग्जाम्स के लिए पापा वीडियो मिलने वाला है, वो वाला देख लीजिएगा। पॉलिटी का भी वन लाइनर वाला वीडियो पापा वीडियो मिलने वाला है, वो भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। प्लस आपका जो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का हमने अलग से दे रखा है, एंशियंट का भी दे रखा है, मिडिवल का भी दे रखा है, मॉडर्न का भी दे रखा है, चाहे तो कर सकते हैं आप। प्लस आपका जो इकोनॉमी का मैंने एक पापा वीडियो बनाया था जिसमें लेटेस्ट फैक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 पे, मिनरल में कौन नंबर 1 पे, एनर्जी में कौन नंबर 1 पे, इलेक्ट्रिसिटी में कौन नंबर 1 पे, नेशनल हाईवे सबसे ज्यादा किस स्टेट के पास है, मिल्क प्रोडक्शन में कौन सबसे ज्यादा, ये सारी चीजें। ये वाला तो वीडियो बिल्कुल रट के जाना है, इसको बिल्कुल एकदम खा जाओ, बिल्कुल चबा जाओ इसको, इसमें से मेरे हिसाब से कम से कम 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। उसके बाद यूपी सेंसस प्लस भारत का सेंसस का वो वाला वीडियो तो देखना ही देखना है, क्योंकि तो सेंसस जो है यूपी और इंडिया वाला, वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्लस जैसे अर्बनाइजेशन जो है इंडिया में और यूपी में कैसे, उसका छोटा सा वीडियो था वो मैंने दिया हुआ है, वो मैं लिस्ट कर दूंगा पूरा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ये वाली वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा लास्ट टाइम पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। साइंस का मैंने बता दिया, इन्वायरमेंट के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। और प्लस आपके करंट अफेयर के लिए, जैसे अभी मैंने जो पूरी एक पापा वीडियो बनाया हुआ है, वैसे तो बड़ा पापा वीडियो है वो, उसकी मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं वेबसाइट पर डालने जा रहा हूँ पूरा, अगर आप लोग चाहें तो उसको एक साथ पढ़ सकते हैं। उसकी पीडीएफ तो नहीं मिल पाएगी बिना पेड ग्रुप वालों को, पेड ग्रुप वालों को ऑलरेडी दे जा चुकी है 28 अगस्त 2019 तक का उसको, लेकिन मैं वेबसाइट में डाल दूंगा। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपको लास्ट टाइम पे जो पढ़ने हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो वाले लिंक जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जीएस के लिए प्लस हिंदी के लिए प्लस साइंस के लिए उतने में बहुत कुछ कवर कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थी, प्लस मैंने बताया आपको जो अभी करंट अफेयर की पूरा मैंने फाइल बनवाई पिछले अक्टूबर 2018 से लेके 28 अगस्त तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों में, वो मैं वेबसाइट पर डालने आ रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको देख जरूर लीजिएगा एक बार, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाए गए हैं, आपको वेबसाइट पर फ्री में दिए जा रहे हैं। प्लस एक चीज और है, लोअर पीसेस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। लास्ट के कुछ दिनों में बहुत सारी पिक्स मैं दे रहा हूँ अभी, प्लस जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस दे रहा हूँ उसमें लिख दूंगा लोअर पीसेस, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट है, चकते फट्टे एकदम करके आना है, और ट्रस्ट रखिएगा, भरोसा रखिए अपने ऊपर, कर सकते हो यार, आप करके दिखाओगे, ठीक है।